नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाला हीरो की तरफ से एक और बाइक के बारे में जो BS6 में लॉन्च हो चुकी है, दैट इज हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी में आपको क्या देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ फीचर, सारी चीज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो देखना बिल्कुल भी मत मिस करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर में होगा, उसको क्लिक करके ग्रे में कन्वर्ट कर देना, एंड जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कर देना, नहीं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, हीरो की तरफ से जो नेक्स्ट बाइक जो लॉन्च हुई है BS6 में, वो हुई है हीरो सुपर स्प्लेंडर 125। इस गाड़ी की क्या बात करूं, बहुत सारे अपडेट आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे BS4 की कंपैरिजन में। ये गाड़ी थोड़ी कम सेल होती थी, लेकिन हाँ, अब ये जो गाड़ी लॉन्च हुई है ना, ये गाड़ी काफी ज्यादा सेल हो सकती है। इंजन डिजाइन नया किया गया है, फीचर्स नए किए गए हैं, डिजाइन नया किया गया है, एलिमेंट्स नए किए गए, डायमेंशन नए किए गए, दैट मीन बहुत सारी चीज आपको नई देखने को मिलती है BS6 सुपर स्प्लेंडर में। सबसे पहले बात करूंगा डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज गाड़ी काफी रिफ्रेश लुक के साथ आती है। डिकैल्स नए किए गए हैं, पेंट स्कीम नई की गई है और सारे नए पेंट स्कीम मिलेंगे। गाड़ी काफी अट्रैक्टिव लुकिंग हो जाती है। फ्रंट एंड में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा राउंड शेप में आता है, लेकिन देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। साइड पैनल से ऑल ब्लैकआउट थीम, हल्का सा ग्रेज फिनिश आपको इंजन में देखने को मिलेगा। प्रोफाइल से देखेंगे तो पूरी की पूरी गाड़ी आपको कमोटर सेगमेंट की बाइक देखने को मिलती है, लेकिन जो लुक एंड फील है ना, काफी इंप्रेसिव लगता है। रियर एंड भी थोड़ा अपडेट किया गया है, एच शेप में आपको देखने को मिलता है। वही अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एनालॉग देखने को मिलता है, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, और इसमें आपको इंजन माल फंक्शन का भी आपको लाइट देखने को मिलता है। इस गाड़ी में अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर स्विच गियर की क्वालिटी की बात करूं तो राइट हैंड साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, प्लस i3s टेक्नोलॉजी जो रहती है उसका ऑन ऑफ का बटन आपको देखने को मिलता है। इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको क्रोम फिनिशेस देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रंट हेडलाइट में देखेंगे तो वहां पर क्रोम फिनिश देखने को मिलता है, प्लस इसके अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलता है, प्लस इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलता है। गाड़ी ऑन एंड ऑन काफी एडिक्यूट, काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इट इज क्वाइट गुड और लुक वाइज भी काफी अच्छी है। ये तो बात हो गई इसके डिजाइन की, अब आती है सबसे मेन चीज इंजन स्पेसिफिकेशन की, जहां पे गाड़ी काफी इंप्रेसिव हो जाती है। 124.1 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड वाला इंजन है, और ये एयर कूल्ड इंजन है जो कि पावर आउटपुट निकालता है 10.7 bhp का पावर आउटपुट, एंड जो टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है 10.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें पीक टॉर्क देखने को मिलता है। और इस गाड़ी में एक और चीज का इंक्लूजन हुआ, दैट इज फिफ्थ गियर। गाड़ी का जो इंजन है ऑलमोस्ट ग्लैमर जैसा ही आपको देखने को मिलता है, सेम ही सेटअप यूज किया गया है। दोनों गाड़ियों में पहले चार चार गियर थे, इस गाड़ी में दोनों गाड़ियों में आपको पांच गियर का फंक्शन देखने को मिलता है। इन टर्म्स ऑफ इंजन स्पेसिफिकेशन BS4 से कंपेयर करो तो हाँ, थोड़ा सा पावर ड्रॉप तो हुआ है, इतना बड़ा बिट पावर ड्रॉप नहीं है। गाड़ी की स्मूथनेस ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। अब सारी चीजें सेंसर से ही डिसाइड किया जाएगा कि फ्यूल कितना इंजन में जाएगा, कितना एयर जाएगा, उस हिसाब से देखा जाए तो बूंद पेट्रोल का भी यूज होता है ECU के थ्रू, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। ये बहुत अच्छी चीज है। ये तो बात हो गई इंजन स्पेसिफिकेशन, अब आती है मेन साइकिल पार्ट्स की, तो इस गाड़ी में आपको क्या देखने को मिलता है फीचर्स और इंजन के अलावा। सेटअप की बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक और पीछे मिलता है डुअल सस्पेंशन सेटअप। डिपार्टमेंट की बात करूं तो फ्रंट में आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक। एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको ड्रम ब्रेक फ्रंट में मिलेगा, पीछे भी ड्रम ब्रेक, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। एक और चीज मैं बोलना भूल गया, इंजन वाले पार्ट में i3s टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। वो होता क्या है, जैसे ही आप ट्रैफिक में जाते हैं और आप गाड़ी खड़ी रखते हैं या सिग्नल पे खड़ी रखते हैं, तो 3 सेकंड बाद आपकी गाड़ी कट ऑफ हो जाती है। जैसे आप क्लच को प्रेस करते हैं आपकी गाड़ी तुरंत के तुरंत स्टार्ट हो जाती है, जो जितने टाइम के लिए आपकी गाड़ी बंद है उतने टाइम के लिए आपका फ्यूल बच जाता है। तो काफी अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन काफी लोग इसको बंद करके रखते हैं, काफी लोग इसको चालू करके रखते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा यूटिलाइज करना चाहते हैं उस चीज को। अगर मैं इसकी कैब वेट की बात करूं तो 122 kg की आपको इस गाड़ी देखने को मिलती है, ज्यादा वेटेड नहीं है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। एवरेज की बात करो तो कंपनी ने अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन बोल रही है 5-6% आपको माइलेज ज्यादा देखने को मिलेगा BS4 के कंपैरिजन में। लेट्स सी, जब लॉन्च होती है तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका क्या है, कैसा रहेगा। डिस्क ब्रेक का साइज आपको फ्रंट में 240 mm का देखने को मिलता है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ड्रम ब्रेक लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। बात हुई गाड़ी के ओवरऑल फीचर्स, इंजन और इसके साइकिल पार्ट्स, अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या होगा। सो फ्रंट ऑलरेडी फ्यूल इंजेक्शन पहले भी आता था और अभी भी आ रहा है, और इस गाड़ी में एक गियर का इंक्लूजन हुआ और पेंट स्कीम चेंज हुई है, तो दैट मींस इस गाड़ी का जो प्राइस जो बढ़ के आएगा वो आपको 3,000-4,000 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा BS4 के कंपैरिजन, विच इज क्वाइट गुड। इसके एक्सशोरूम प्राइस की बात करो तो 60,800 रुपीज हो जाएगा, प्लस इसमें 20% और एड कर दिया फॉर द RTO फॉर इंश्योरेंस।
सिटी टू सिटी डिफर हो सकता है, आप अपने नियरेस्ट शोरूम जाके पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट दी सुपर स्प्लेंडर 125 BS6? अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, न्यू तो सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना। और इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी हो तो प्लीज ये जो इंस्टाग्राम को जो हैंडल देखना उसको फॉलो करें within 24 hours, within 48 hours। अगर अपने मैसेज चाहिए तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। टिल देन आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट टीवी कुछ भी छोटा। टिल देन बाय एंड चाओ।